सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात हनुमान जी महाराज कलयुग में अमृतत्व के वरदान के कारण अपने समस्त भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग में धरती लोक पर निवास करते हैं, और वे गुप्त रूप से अपने भक्तों की और अपने साधकों की, उपासकों की मदद करते हैं। जो कि उनके नाम संकीर्तन करता है उनकी सदैव रक्षा करते हैं। प्राचीन काल से ही कई संप्रदायों में शाबर मंत्रों का प्रयोग हर प्रकार की बाधाओं और स्वयं व अपने परिवार की सुरक्षा हेतु किया जाता था, क्योंकि शाबर मंत्र शीघ्र और तत्काल तत्क्षण प्रभावी माने जाते हैं। सभी देवताओं के विभिन्न प्रकार के शाबर मंत्र होते हैं, और कुछ ऐसे शाबर मंत्र होते हैं जो कि स्वयं सिद्ध माने जाते हैं और तत्काल अपना प्रभाव दिखा देते हैं, और हनुमान जी के शाबर मंत्र शीघ्र प्रभावी माने जाते हैं। हर प्रकार के विपत्ति या संकट के नाश हेतु हनुमान जी के शाबर मंत्र तत्काल साधक की सहायता और उसके मार्ग को सुगमता प्रदान कर देते हैं। चाहे जीवन में कैसे भी बाधा या रुकावट क्यों ना हो, हनुमान जी के शाबर मंत्र तत्काल हमें उन बाधाओं से मुक्त कर देते हैं। बार बार कार्य की प्रगति में बाधा आना या तरक्की से शत्रु का जल जाना, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने भाग्य उदय के कारण तरक्की करता है और उसकी उन्नति होती है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति की तरक्की में बाधा आ जाती है, क्योंकि उनकी नज़र या उनकी नज़र में खटकने से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इन बाधाओं, इन रुकावटों को दूर करने के लिए हनुमान जी के शाबर मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, और इनको सिद्ध कर लेने के पश्चात में व्यक्ति इन मंत्रों की सहायता से स्वयं तत्काल हनुमान जी द्वारा सहायता प्राप्त कर सकता है और अपनी उन बाधाओं से, रुकावटों से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि जीवन में हर प्रकार की बाधा आती है, मगर इस मंत्र को जो सिद्ध कर लेता है उसके जीवन में बाधा, उसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकती है, अपितु ऐसे व्यक्ति को टकराने मात्र से ही सामने वाला पतन को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अवश्य ही यह मंत्र बड़ा ही तत्काल प्रभावी और ताकतवर शाबर मंत्र माना गया है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमंताय मम सर्व बाधा निवारणाय ठम ठम स्वाहा। यह मंत्र बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली शाबर मंत्र है, और इस मंत्र को किसी भी मंगलवार या शनिवार को या किसी पुष्य नक्षत्र के दिन अवश्य ही सायंकाल में 3 माला मंत्र जप करके जागृत और सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह हनुमान जी में अटूट श्रद्धा भक्ति भावना रखें, और हर मंगलवार को उनको गुड़ रोट का प्रसाद अवश्य भोग लगाए। हनुमान जी को माली पाना पसंद है तो वह भी चढ़ाएं, सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें, सिंदूर को चमेली के तेल में भिगो करके और हनुमान जी की मूर्ति पर उसका अवश्य मंगलवार प्रातः में या सायंकाल में लेपन करना चाहिए, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी को अवश्य ही चोला यानी कि उपवस्त्र प्रदान करना चाहिए, और कनेर के पुष्प जो कि लाल कनेर के पुष्प हो वह हनुमान जी को अति प्रिय माने जाते हैं, तो वे पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें। तत्पश्चात हनुमान जी के सम्मुख मूर्ति के या तस्वीर के सम्मुख बैठ करके, लाल आसन पर बैठ करके और चंदन या तुलसी की माला से 3 माला इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात किसी भी आवश्यक कार्य को निकलने से पूर्व, कहीं जाने से पूर्व इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात अपने घर से प्रस्थान करें। आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आ सकती है, और एक
चमत्कारिक रूप से सुरक्षा का एक ऐसा चक्र आपके चहु और विद्यमान रहेगा कि आपके कार्य में बाधा नहीं आ सकती है। चाहे वह किसी इंटरव्यू ही क्यों ना हो, किसी इंटरव्यू में जाना क्यों ना हो, चाहे किसी प्रकार की कोई मीटिंग में क्यों ना जाना हो, चाहे कोई नया कार्य आरंभ करने जाना हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी व्यवसायिक कार्य करने जाना हो, कोई जरूरी कार्य, कोई मांगलिक कार्य की बात करने भी जाना हो, इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करने के बाद पुरुष अपना दायां पांव बाहर रखे, महिला अपना बायां पांव बाहर करके प्रस्थान करे, अवश्य ही आपके कार्य में बाधा नहीं आएगी, रुकावट दूर होगी और आपके मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्योंकि इस मंत्र से संताप से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि ग्रह बाधा भी, ग्रह पीड़ा भी इससे दूर हो जाती है।